मान लो किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये कोई कंडक्टर है, हम इसको मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी वी, तो कंडक्टर का मोशन इधर है यानी वेलोसिटी या मोशन इस डायरेक्शन में है, ये मोशन की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर को अगर हम पॉइंट करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि इनवर्ट, और थंब को रखना आपको कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में, तो मोशन तो इधर हो रहा है तो थंब को इधर कर लो, तो मिडिल फिंगर अपने आप ही ऊपर की तरफ आ गई, ऊपर की तरफ आ गई, तो इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। बोलो समझ में आया क्या?